हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, अब मुझे आप मेरे फेसबुक पेज हर्षिता सिंह पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओलंपिक और एशियाई खेलों में प्रमुख खेलों की भागीदारी। इसमें सबसे पहला है हॉकी खेल। हॉकी खेल को 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1958 के टोक्यो एशियाई खेल में। ठीक, नेक्स्ट है आपका फुटबॉल। फुटबॉल को 1908 के लंदन ओलंपिक में और 1951 की नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में और 1951 की नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हैंडबॉल। हैंडबॉल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में और 1982 की नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट को 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक, क्रिकेट को 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 2010 के ग्वांजगू एशियाई खेल में से शामिल किया गया था। यहाँ पे आप ग्वांजगू लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1958 टोक्यो के एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुश्ती। कुश्ती को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1954 के मनीला एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन को 1952 के बार्सिलोना ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1962 के जकार्ता एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जूडो। जूडो को 1964 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1986 के सियोल एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जिमनास्टिक। जिमनास्टिक को 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1974 के तेहरान एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है टेबल टेनिस, ठीक, जिसे टेटे कहा जाता है। तो टेटे को 1988 की सियोन ओलंपिक में और 1958 के टोक्यो एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी को ओलंपिक में अभी शामिल नहीं किया गया है और 1990 के बीजिंग एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1954 के मनीला एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस को 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1958 के टोक्यो एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है तीरंदाजी। ठीक, तीरंदाजी को 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1978 के बैंकॉक एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को 1924 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 के नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ को 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1982 के नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कराटे। कराटे को 2012 में स्कॉट होम में ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1994 हिरोशिमा एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल को 1900 पेरिस के ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1998 के बैंकॉक एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है तैराकी। तैराकी को 1912 के स्कॉट होम ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 की नई दिल्ली एशियाई खेल में को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है शूटिंग। शूटिंग को 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1954 के मनीला एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग को 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 के नई दिल्ली एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो को 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 की नई दिल्ली एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो को 2000 सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1986 के सियोल एशियाई खेल में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है डाइविंग। डाइविंग को 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 के नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग को 1896 के एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1951 के नई दिल्ली एशियाई खेल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है स्क्वैश। स्क्वैश को 2012 के स्कॉट होम ओलंपिक में शामिल किया गया था और 1998 के बैंकॉक एशियाई खेल में शामिल किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।